ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, ये भगवान श्री रामना महर्षि के उपदेश उनके अपने शब्दों में का 7वां वीडियो है। ये वीडियो भी दूसरे वीडियो की तरह प्रश्नोत्तरी के रूप में है। पहला प्रश्न, वह निरपेक्ष पर अवस्था है। महर्षि उत्तर देते हैं, नहीं, किसे पर और किसके द्वारा, केवल आपकी ही सत्ता है। प्रश्न, कहा जाता है कि आत्मा मन से पर है, फिर भी उसका अनुभव मन से ही होता है। मन उसका चिंतन नहीं कर सकता, मन से उसका विचार या कल्पना भी नहीं की जा सकती, और सिर्फ मन से उसे देखा जाता है। इन विरोधों का मेल किस प्रकार बिठाया जाए? महर्षि उत्तर देते हैं, आत्मा का अनुभव मृत मरे हुए मन से अर्थात निर्विचार अंतर्मुख मन से होता है। तब मन अपने मूल आश्रय आत्मा को देखता है और तद्रूप हो जाता है। तब कोई दृष्टा किसी दृश्य को नहीं देखता। जब कमरे में अंधेरा हो तो वस्तुओं को देखने में नेत्रों की सहायता के लिए दीपक आवश्यक होता है, लेकिन जब सूर्य उदय हो जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। सूर्य को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने नेत्रों को स्वयं प्रकाश सूर्य की ओर मोड़ें, इतना ही केवल जरूरी है। इसी प्रकार का मन का उपयोग है। पदार्थों को देखने के लिए मन के प्रतिबिंबित प्रकाश की आवश्यकता है। हृदय को देखने के लिए मन को उसकी ओर अंतर्मुख कर देना पर्याप्त है। तब मन नष्ट हो जाता है और हृदय प्रकाशित हो उठता है। मन का मूल तत्व चैतन्य या सभानता है। जब वह अहंकार के अधीन होता है तब वह तर्क करने की, विचार करने की और इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करने की शक्ति के रूप में कार्य करता है। क्योंकि वैश्विक मन अहंकार से सीमित नहीं होता, उसके लिए स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं है, अतः वह केवल चैतन्य रूप है। आई एम दैट आई एम, मैं हूँ वह मैं हूँ, इस बाइबल के कथन का यह अभिप्राय है। अपने ही आत्मा की परम चेतना में जब मन का लय होता है, समझिए कि तब इच्छा क्रिया तथा ज्ञान इत्यादि की सारी शक्तियाँ उस चेतना में केवल काल्पनिक ख्यालों जैसी दिखती हैं और स्वतः पूर्णतया लुप्त हो जाती हैं। स्मृति एवं विस्मृति जैसी द्वंद्वों के सहारे कार्य करने वाला अशुद्ध मन ही जन्म मरण चक्कर रूप संसार है। विचार तथा विस्मृति की क्रियाएं जिसमें नष्ट हो गई हैं, ऐसा सच्चा अहम ही मोक्ष है, और उसमें जन्म मरण का हेतु प्रमाद आत्म विस्मृति नहीं है। प्रश्न, अहंकार का नाश कैसे किया जाए? उत्तर, पहले अहंकार को पकड़कर दिखाइए, फिर पूछिए कि इसका नाश कैसे किया जाए। यह प्रश्न कौन पूछता है? अहंकार, क्या अहंकार कभी भी स्वयं अपनी मृत्यु की सम्मति दे सकता है? ऐसे प्रश्न पूछते रहना अहंकार को
सुरक्षित रखने का मार्ग है, उसे नष्ट करने का नहीं। यदि आप अहंकार की प्रामाणिक तलाश करें तो आपको ज्ञात होगा कि उसका अस्तित्व नहीं है, यही उसकी विनाश का मार्ग है। प्रश्न, आत्मा अनुभव किस प्रकार संभव बनाया जाता है? महर्षि उत्तर देते हैं, अग्नि से चिंगारी की तरह आत्मा से एक सफुलिंग निकलता है जिसे अहंकार कहते हैं। अज्ञानी में यह उत्पन्न होते ही स्वयं को किसी पदार्थ के साथ तद्रूप बना देता है, वस्तुओं से तादात्म्य किए बिना उनसे असंबंध रख कर वह टिक नहीं सकता। यह संबंध अज्ञान है जिसका नाश हमारे प्रयत्नों का लक्ष्य है। यदि उसकी स्वयं के विषयीकरण की यह आदत तोड़ दी जाए तो वह शुद्ध बना रहता है तथा अपने मूल में लुप्त हो जाता है। देह के साथ उसका गलत तादात्म्य देह आत्म भाव है। अच्छे परिणामों के पूर्व यह अवश्य जाना चाहिए। दो अवस्थाओं तथा दो विचारों के बीच में इस अहम का उसकी शुद्ध स्थिति में अनुभव किया जा सकता है। अहंकार उस जोंक तृण जलुका की तरह है जो अपना पहला आश्रम तभी छोड़ती है जब वह अपने अगले कदम का आश्रय पा लेती है। जब वह पदार्थों के एवं विचारों के संपर्क से मुक्त होता है तब अहंकार का सच्चा रूप जाना जाता है। यह प्रेत पिशाच जैसा आरूप अहंकार रूप का आश्रय लेकर के ही अस्तित्व में आती है। रूपों से पोषण प्राप्त करके पुष्ट होता है तथा दूसरे रूप का ग्रहण करके ही पूर्व के रूप को छोड़ता है, लेकिन अन्वेषण करने पर अदृश्य हो जाता है। यदि मैं देह हूँ ऐसा रूप वाला प्रथम पुरुष अहंकार का अस्तित्व होता है, तभी तुम वह इत्यादि द्वितीय तृतीय पुरुष भी होते हैं। प्रथम पुरुष के सत्य का अन्वेषण करके यदि उसे नष्ट किया जाए तो द्वितीय तृतीय पुरुष भी नहीं रहती, और जैसी आत्मा की शुद्ध अवस्था होती है वैसे ही मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप में प्रकाशित होता है। मैं रक्त मांस में शरीर हूँ, यह विचार ही वह एक सूत्र है जिसमें दूसरे विविध विचार पिरोए गए हैं। इसलिए यदि यह मैं कहाँ है इस प्रकार तलाश करते हुए भीतर की ओर मुड़कर देखें तो अहम विचार के साथ सब विचार समाप्त हो जाएंगे और तब आत्मा अपने आप प्रकाशित होगा। प्रश्न, मैंने जब श्री भगवान की रचनाएं पढ़ी तो मुझे मालूम हुआ कि अपना अन्वेषण आत्मा अनुभव की एकमात्र पद्धति है। उत्तर, हाँ, उसे विचार कहा जाता है। प्रश्न, उसे किस तरह किया जाता है? भगवान जी का उत्तर, प्रश्न करने वाले को अवश्य अपने आत्मा का स्वीकार करना पड़ता है। मैं हूँ यह आत्मा अनुभव है। वर्तमान मैं के भाव को अन्वेषण के सूत्र रूप में पकड़कर शुद्ध आत्मा अनुभव तक तलाश जारी रखना विचार है। विचार एवं आत्मा अनुभव एक है। प्रश्न, यह स्पष्ट नहीं है, मुझे किस पर ध्यान करना चाहिए? उत्तर, ध्यान के लिए ध्येय की आवश्यकता होती है। विचार में ध्येय रहित केवल ध्याता होता है। ध्यान एवं विचार में यह भेद है। प्रश्न, क्या ध्यान आत्मा अनुभव की कार्यक्षम प्रक्रियाओं में से एक नहीं है? महर्षि का उत्तर, किसी एक वस्तु पर एकाग्रता ध्यान है। विविध विचारों को रोककर केवल एक विचार पर चित्त को एकाग्र करने के हेतु ध्यान किया जाता है। आत्मा अनुभव के पूर्व यह एक विचार भी अदृश्य हो जाना चाहिए, लेकिन आत्मा अनुभव में लेकिन
आत्मा अनुभव में कोई नई वस्तु प्राप्त नहीं करनी होती है। इस प्रथम से ही परंतु विचारों के पर्दे से छिपा हुआ है। हमारे सारे प्रयत्न इस पर्दे को हटाने के लिए हैं, तब आत्मा अनुभव प्रकट होता है। यदि साधकों को ध्यान करने की सलाह दी जाए तो बहुत लोग संतुष्ट होकर चले जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई वापस आकर पूछ सकता है, किसी भी वस्तु पर ध्यान करने वाला मैं कौन हूँ? ऐसे साधक को आत्मा की तलाश करने के लिए ही कहना चाहिए, वह अंतिम भूमिका है, विचार है। प्रश्न, क्या ध्यान के बिना केवल विचार से काम चलेगा? महर्षि का उत्तर, विचार प्रक्रिया है और लक्ष्य भी है। मैं हूँ यह लक्ष्य है और अंतिम सत्य है। प्रयत्न पूर्वक उसे पकड़े रहना विचार है। जब स्वाभाविक अनायास एवं स्वयं स्फूर्त रूप में रहने लगे तो आत्मा अनुभव है। चित्त लय के लिए सबसे अधिक कार्यक्षम विचार को छोड़कर अन्य कोई प्रभावी मार्ग है ही नहीं। दूसरी पद्धतियों से मन को शांत किया जाए तो अल्प समय के लिए वह समाधिस्त होगा, लेकिन पुनः विक्षिप्त हो जाएगा। आत्मा अनुसंधान एकमात्र अमोघ साधन है और सीधा मार्ग है, जिससे पूर्ण निर्गुण अनंत सत्ता स्वयं आप हैं, इस सत्य का आप अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न, आत्मा अनुसंधान को ही ज्ञान का एकमात्र सीधा मार्ग क्यों माना जाए? महर्षि का उत्तर, क्योंकि आत्म विचार से भिन्न सभी साधनाओं में साधन के रूप में मन को बनाए रखने की पूर्व धारणा स्वीकृत होती है, क्योंकि मन के बिना उनका अनुसरण नहीं किया जा सकता। साधना की विभिन्न भूमिकाओं में अहंकार सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों को धारण करता है, किंतु कभी भी नष्ट नहीं होता। जनक ने जब कहा, अब मैंने उस चोर को जान लिया है जो अब तक मुझे परेशान करता रहा, अब मैं अविलंब उसको नष्ट करने का सीधा उपाय करूंगा, तो वह राजा अहंकार या मन की उद्देश्य से ऐसा कह रहा था। प्रश्न, लेकिन इस चोर को अन्य साधनाओं से भी तो पकड़ा जा सकता है? उत्तर, आत्मा विचार से भिन्न साधनाओं के द्वारा अहंकार या मन को नष्ट करने का यत्न ऐसा है जैसे पुलिस वेशधारी चोर ही चोर को अर्थात स्वयं को पकड़ने का नाटक करे। आत्म विचार ही इस सत्य को प्रकट कर सकता है कि वास्तव में अहंकार का अस्तित्व नहीं है और मनुष्य को आत्मा की पूर्ण शुद्ध अद्वैत सत्ता का अनुभव करा सकता है। आत्मा अनुभव होने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि आत्मा पूर्ण आनंद और स्वरूप है। प्रश्न, आत्मानुसंधान अन्य पद्धतियों से अधिक सीधी पद्धति क्यों है? उत्तर, अपने आप से अभिन्न केवल पूर्ण शाश्वत परम आत्मा निष्ठा ही शरीर से आबद्ध जीव के लिए भवसागर से पार कर जाने की एकमात्र नाव है। अहंकार का नाश ही सत्य है। अहंकार की पहचान की तलाश करके उसे नष्ट कर दीजिए, क्योंकि अहंकार कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा और सत्य स्वयं प्रकट होगा। यह सीधी पद्धति है और सब पद्धतियां अहंकार को बनाए रखती हैं। उनमें कई संदेह उत्पन्न होते हैं तथा मैं कौन हूँ इस सनातन प्रश्न का समाधान करना अंत में बाकी रहता है, किंतु इस पद्धति में अंतिम प्रश्न ही एकमात्र प्रश्न है और उसे प्रारंभ में ही उठाया जाता है तथा इसमें अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं कि स्वयं सत्य होकर हम सत्य की तलाश में हैं।
हम सोचते हैं कि हमारे सत्य को कोई आवरण छिपाए हुए है जिसे हटाना जरूरी है। यह हास्यास्पद है। एक दिन आएगा जब आप अपने प्रयत्नों पर हंसेंगे और हंसने के दिन होगा वह अभी और यही है। प्रकरण 5, आत्मा अनुसंधान अभ्यास। आत्मा अनुसंधान का अभ्यास प्रारंभ करने वालों को भी श्री रमन अपनी मैं विषयक आंतरिक अनुभूति पर ध्यान एकाग्र करने की तथा संभव हो तब तक उसे जारी रखने की सलाह देते थे। उनको कहा जाता था कि चित्त यदि दूसरे विचार की ओर चला जाए तो इसका ख्याल आते ही उसे मैं की अनुभूति पर पुनः एकाग्र करना चाहिए। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए वे विविध उपाय बताते थे। साधक स्वयं को मैं कौन हूँ अथवा यह मैं का भाव कहाँ से उत्पन्न होता है ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। अंतिम लक्ष्य मैं के विषय में हमेशा सभान रहना है, जो शरीर मन की सब चेष्टाओं के लिए स्वयं को जिम्मेदार मान लेता है। अभ्यास के प्रारंभ में मैं की अनुभूति के प्रति चित्त एकाग्र करने का काम सोचने और देखने के रूप में चलता है। जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ता है तो यह मैं विषयक विचार लुप्त हो जाता है और उसके स्थान में मैं की या आत्म सत्ता की केवल अनुभूति रहती है। और जब यह अनुभूति स्वयं को पदार्थों तथा विचारों के साथ संबंधित होने की और उनसे एक रूप बनने की आदत छोड़ देती है तो वह पूर्णतया अदृश्य हो जाती है। तब केवल सत्ता का अनुभव शेष रहता है जिसमें व्यक्तित्व की सक्रियता अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। शुरू शुरू में यह अनुभव रुक रुक कर उत्पन्न होता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने पर उसे लाना तथा बनाए रखना क्रमशः सरल से सरलतर होता जाता है। जब आत्मा अनुसंधान करने वाला इस भूमिका तक पहुंचता है तब उसमें अनायास सत्ता का भाव प्रकट होता है, जिसमें प्रयत्न करने वाला अहंकार अस्थायी रूप से लुप्त हो जाने के कारण वैयक्तिक प्रयास असंभव हो जाता है। लेकिन यह आत्म साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि अहम विचार बार बार पुनः उत्पन्न होता रहता है। फिर भी यह अभ्यास की उच्चतम भूमिका है। इस अवस्था के बार बार अनुशीलन से अहम विचार को जन्म देने वाली वासनाएं दुर्बल बनकर अंत में नष्ट हो जाती हैं। और जब इस प्रकार उनका प्रभाव पर्याप्त मात्रा में अक्षुण होता है तब आत्मा की शक्ति शेष वासनाओं को इस प्रकार नष्ट कर देती है कि अहम विचार फिर कभी भी उत्पन्न नहीं होता। यह आत्म साक्षात्कार की अंतिम और अनिवर्त्य अवस्था है। आत्म सभानता को बनाए रखने का यह अभ्यास एक सौम्य उपाय है, जिसमें मन का बलपूर्वक निग्रह करने की पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया जाता। यह मन को एकाग्र करने की या विचारों को बलपूर्वक दबा देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मन के जन्म स्थान की सभानता को सहज रूप से जारी रखने का प्रयास है। आत्मा अनुसंधान की पद्धति तथा उसका लक्ष्य मन के मूल में रहना है तथा स्वयं जो नहीं है उन सब बातों से रस तथा ध्यान हटाकर स्वयं वस्तुतः जो है उसके बारे में सभान बने रहना है। प्रारंभिक भूमिका में विचारों से विचारक के प्रति ध्यान को धीरे से मोड़ना या तब्दील करना आवश्यक होता है, लेकिन एक बार अहम अनुभूति विषय में सभानता दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाने के बाद प्रयत्न जारी रखना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उस समय से लेकर यह प्रक्रिया कुछ करने के बजाय होने की है।
प्रयत्न पूर्वक बनना नहीं अनायास होना आत्मा अनुसंधान है। स्वयं जो प्रथम से ही है वह सत्ता बने रहना अनायास स्थिति है, क्योंकि सत्ता हमेशा उपलब्ध तथा अनुभव गोचर है। इससे विरुद्ध स्वयं जो नहीं है वह शरीर मन बने रहने का दिखावा करना निरंतर मानसिक प्रयत्न की अपेक्षा रखता है, चाहे वह प्रयत्न अर्थ चेतन अवस्था में ही क्यों न करना पड़ता हो। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा अनुसंधान की उच्चतर भूमिकाओं में प्रयत्न सत्ता मात्र स्वरूप आत्मा अनुभव से ध्यान को चित करना है, जबकि सब मानसिक प्रयत्नों का अभाव उसे प्रकट कर देता है। आखिर आत्मा कुछ करने से नहीं बने रहने से प्रकट होता है। स्वयं श्री रमन ने एक समय कहा था, ध्यान मत कीजिए, बने रहिए, आप हैं ऐसा मत सोचिए, केवल बने रहिए, होने के विषय में विचार मत कीजिए, आप हैं। आत्मा अनुसंधान विशेष समय में तथा विशेष प्रकार के आसन में बैठकर करने का ध्याना अभ्यास है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वह मनुष्य की जागृत अवस्था के प्रत्येक क्षण में कुछ करते समय भी जारी रहना चाहिए। श्री रमन कर्म करने तथा आत्मा अनुसंधान में कोई विरोध नहीं मानते थे। वे हमेशा कहते कि थोड़े से अभ्यास से ही इसे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में किया जा सकता है। कभी कभी वे अवश्य कहते थे कि नियमित रूप से निश्चित समय में व्यवस्थित पद्धति से ध्यान करने का अभ्यास प्रारंभ करने वाले साधकों के लिए अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय तक बैठकर ध्यान करने के वे कभी भी समर्थक नहीं थे एवं ध्यान में जीवन के लिए व्यवहारिक पर कर्मों को छोड़ने के इच्छुक अपने भक्तों का कभी भी अनुमोदन नहीं करते थे। प्रश्न, आप कहते हैं कि मनुष्य अन्वेषण करके अपने आत्मा का साक्षात कर सकता है, अन्वेषण का लक्षण क्या है? महर्षि का उत्तर, आप मन हैं या आप सोचते हैं कि आप मन हैं? विचारों के अलावा मन कुछ नहीं है। सब विशेष विचारों के पीछे एक सामान्य विचार होता है जो मैं रूप वाला है, अर्थात आप स्वयं हैं। हम इस मैं को प्रथम विचार कह सकते हैं। इस नए विचार को पकड़े रहिए एवं उसे वह क्या है इसे ढूंढ निकालने के लिए प्रेरित कीजिए। जब इस प्रश्न की आप पर मजबूत पकड़ हो जाएगी तो आप दूसरी बातों को सोच नहीं सकेंगे। प्रश्न, जब मैं ऐसा करता हूँ और स्वयं अपने आप को अर्थात अहम विचार को पकड़े रहता हूँ तो दूसरे विचार आते जाते रहते हैं, फिर भी मैं अपने आप को पूछता हूँ मैं कौन हूँ, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या इस स्थिति में रहना आत्मा अनुसंधान है? उत्तर, यह एक गलती है जिसे लोग अक्सर किया करते हैं। जब आप पूरी गंभीरता से आत्मा अन्वेषण प्रारंभ करते हैं तो होता यह है कि अहम विचार लुप्त हो जाता है और भीतर की गहराइयों में से कोई दूसरा तत्व आप पर अधिकार कर लेता है, जो आपका मैं नहीं होता जिसने अन्वेषण शुरू किया था। प्रश्न, यह दूसरा तत्व क्या है? उत्तर, वह अहम का सच्चा अर्थ या आत्मा है, अहंकार नहीं है, वह स्वयं परम सत्ता है। प्रश्न, लेकिन आप प्राय यह कहते हैं कि साधक को अभ्यास प्रारंभ करने के बाद आने वाले सब विचारों को त्याग करना चाहिए, किंतु विचार असंख्य हैं। एक विचार का त्याग करने पर दूसरा आता है और इनका कोई अंत नहीं दिखता। महर्षि का उत्तर, मैं यह नहीं कहता कि आपको विचारों का त्याग करते रहना चाहिए, अपने आप से चिपके रहिए अर्थात अहम विचार को जारी रखिए। जब आपका रस उत्साह आपको केवल उस एक विचार से जोड़े रखता है तो दूसरे विचार अपने आप हटकर अदृश्य हो जाते हैं।
परंतु विचारों को तो विचारों का त्याग आवश्यक नहीं है। उत्तर, नहीं, कुछ लोगों के लिए कुछ समय के लिए यह आवश्यक हो सकता है। आप कल्पना करते हैं कि कर्म से उठने वाले विचारों का त्याग करते रहने का कोई अंत नहीं, लेकिन यह सत्य नहीं है। विचारों का अंत है यदि आप जागरूक रहकर उत्पन्न होने वाले प्रत्येक विचार का दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करने का धैर्य से प्रयत्न जारी रखें, तो थोड़े समय में आप महसूस करेंगे कि आप अपने अंतरात्मा की गहराई में उतरते जाते हैं। उस स्तर पर विचारों का अस्वीकार करने की या तदर्थ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, तब प्रयत्न रहित तनाव रहित रहना संभव होगा? उत्तर, सिर्फ इतना ही नहीं, एक सीमा के बाद प्रयत्न करना असंभव हो जाएगा। प्रश्न, मैं और भी जानना चाहता हूँ, क्या मुझे पूर्णतया यत्न छोड़ देना चाहिए? उत्तर, अभी आपके लिए प्रयत्न किए बिना रहना असंभव है। जब आप गहराई में जाएंगे तो आपके लिए प्रयत्न करना असंभव होगा। यदि मन अहम व्यक्ति के मूल की तलाश द्वारा अंतर्मुख हो जाए तो वासनाएं लुप्त हो जाती हैं। आत्मा का प्रकाश वासनाओं पर पड़ता है तो वह प्रतिबिंब उत्पन्न होता है जिसे हम मन कहते हैं, और इस प्रकार वासनाएं लुप्त हो जाती हैं। तो हृदय रूप एक सत्य के प्रकाश में लीन होकर मन अदृश्य हो जाता है। किसी भी साधक को जो जानना आवश्यक है उसका यह सार है। तत्काल अनिवार्य रूप से जो करना आवश्यक है वह यह है कि उसे तत्परता एवं एकाग्रता से अहम व्यक्ति के मूल की तलाश करनी चाहिए। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते मेरे दोस्तों, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स, नमस्कार।